हेलो एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है गाइस। आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाऊंगी कि आप लीव्स के थ्रू किस तरह से न्यू सकुलेंट प्रोपेगेट कर सकते हैं। सो वीडियो को फुल देखिए। ये रहा मेरा सकुलेंट और आप देख सकते हैं सकुलेंट के साइड में पत्तों से ये छोटे छोटे न्यू बेबी सकुलेंट्स किस तरह से ग्रो हो रहे हैं। सो इनको ग्रो करना काफ़ी ज़्यादा इजी और सिंपल है, बस आपने कुछ बातों को ध्यान में रखना है। सकुलेंट एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स काफ़ी ज़्यादा फ्लैशी होते हैं और 90-95% उनमें पानी प्रेजेंट होता है। वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है इनमें। डिफरेंट रीजन्स में ये पानी को कलेक्ट करके रखते हैं ताकि जब एकदम क्लाइमेट ड्राई हो जाए तो ये सर्वाइव कर सके। सो काफ़ी सारी वैरायटीज सकुलेंट की प्रेजेंट है इंडिया में। सो इनकी जो पत्ते होते हैं गाइस ज़्यादातर एकदम मोटे होते हैं, थिक होते हैं, क्योंकि इनमें पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। सो आपने इस तरह से पत्तों को तोड़ लेना है और पत्तों को तोड़ते समय एकदम जहाँ से ब्रांच से जुड़ा हुआ है वहीं पर तोड़ना है, बीच से नहीं तोड़ना चाहिए पत्ता। सो इसके बाद हम एक और तोड़ेंगे गाइस। मैं एकदम ध्यान से कर रही हूँ, आप भी एकदम ध्यान से तोड़े। सो दो पत्तों को मैंने तोड़ लिया है, ये देखिए। गाइज इनके लिए आप पत्तों की खाद का इस्तेमाल करें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। नॉर्मल मिट्टी पर ये अच्छे से ग्रो नहीं होंगी। सो पत्तों को तोड़ने के बाद आपने सॉइल मिक्सचर तैयार कर लेना है और सॉइल मिक्सचर में थोड़ा सा काउडंग एंड ये जो पत्तों की खाद है दोनों को मिक्स करके एक अच्छा सा सॉइल मिक्सचर रेडी कर लेना है। उसके बाद इस तरह से पत्तों को यहाँ पर रख देंगे, ये देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं कि पत्तों का खाद का इस्तेमाल किया गया है। ये एक और सकुलेंट है जिसका नाम है इजीवीरिया। सो समर में इसकी ग्रोथ एकदम बंद हो गई थी, समर में नहीं कहूँगी गाइस, ये जो रेनी सीज़न है इसमें, क्योंकि रेनी सीज़न में बारिश से बचाना बहुत ही ज़्यादा एक मुश्किल टास्क होता है, लेकिन तभी मैंने बचाया और अभी विंटर सीज़न आ गया है तो ये देखिए किस तरह से ग्रो हो रहा है। हर जगह से ये नए नए बेबी प्लांट्स एकदम ग्रो कर रहा है। सो यहाँ पर एक पत्ता तोड़ गया है और आप लोग देख सकते हैं इस पत्ते में से दो बेबी सकुलेंट इस तरह से निकल गए हैं और रूट्स भी। सो इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। एक वीडियो में मैं इनको कटिंग करके दूसरी जगह पर लगाऊंगी, उसका भी आप सभी लोगों को अपडेट दूंगी। सो मैंने सोचा कि इसकी भी प्रोपगेशन हो जाए, इसीलिए मैं इसका भी पत्ता तोड़ रही हूँ। सो यहाँ पर रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। सो गाइस ये जो इजीवीरिया है ये एकदम ऐसे फैलता नहीं है, ये एकदम हाइट में लंबा होता जाता है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सो इसको बुशी बनाने के लिए हम इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन गाइस अभी विंटर सीज़न है इसीलिए इसी सीज़न में करना चाहिए, क्योंकि विंटर सीज़न में सकुलेंट्स अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। समर और रेनी सीज़न में इनको बिल्कुल भी टच ना करें, बस पानी हल्का फुल्का स्प्रिंकल करते रहिए। सकुलेंट में ज़्यादा पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इस बात का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि मैंने बताया सकुलेंट में ऑलरेडी पानी प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनकी वाटर रिक्वायरमेंट लेस रहती है। ये देखिए इस तरह से तोड़ लेना है आप सभी लोगों को। सो मैं चाहती हूँ कि एक ही जगह पर सकुलेंट ग्रो करे, इसीलिए मैंने जितने भी तोड़े हुए पत्ते थे उन सबको एक ही जगह पर रख दिया है। यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर मम्मी ने इस तरह से ग्रो किया है।
ये डिफरेंट सकुलेंट्स के पत्ते हैं और 4-5 तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। सो गाइस, इनको ग्रो करने में 1 महीना तो लग ही जाता है। थोड़ा सा रूट आता है, उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रक्चर निकल कर आती है और तब तक आपने पानी हल्का फुल्का स्प्रिंकल करना है। डायरेक्ट पानी ना डालें, जो स्प्रे बॉटल होता है उसका इस्तेमाल करें और पानी का छिड़काव करते रहें। इनको ओवर वाटरिंग भी ना करें एंड अंडर वाटरिंग भी ना करें, लिमिटेड अमाउंट में पानी डालें जिससे कि इनकी ग्रोथ ना रुके और प्रॉपर अमाउंट में ग्रोथ होती रहे। सो इनको सुबह या फिर शाम की धूप में आप निकाल सकते हैं, दिन की धूप से इनको बिल्कुल दूर रखें। ये ज़्यादातर जो कड़कती हुई धूप होती है वो टॉलरेट नहीं कर पाते। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। धन्यवाद आप लोगों का इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी लोगों को एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ़।